गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री नदी पर बालाजी ग्रुप द्वारा अगोरा मॉल बनाया गया है और अगोरा मॉल जब बना भी नहीं था तब से ये अवैध होने का हो हल्ला होता रहा है, लेकिन प्रशासन या कॉरपोरेशन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। और अब आखिरकार सालों बाद विश्वामित्री नदी में आई बाढ़ से सरकार पर जो दबाव बना है उसके बाद वडोदरा महानगर पालिका ने नोटिस देकर अगोरा मॉल के अवैध निर्माण को ढहाने की शुरुआत की है। 3 दिन पहले अगोरा मॉल का क्लब हाउस अवैध होने की बात वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने स्वीकार की थी और अब 72 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने पर वडोदरा महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की टीम ने बालाजी ग्रुप के अगोरा मॉल में बनाए गए क्लब हाउस को तोड़ने की शुरुआत की है, जिसमें 7 से 8 जेसीबी मशीन लगाए गए हैं और पुलिस बंदोबस्त के साथ इस निर्माण को ध्वस्त करने का कार्य शुरू किया गया है। गुजरात सरकार के कड़े निर्देश के बाद अब आखिरकार वडोदरा के अगोरा मॉल का एक छोटा सा हिस्सा तोड़कर वडोदरा महानगर पालिका अपने हिस्से की कार्यवाही करने का संतोष तो मान रही है, लेकिन क्या इससे विश्वामित्री में आने वाली बाढ़ रुक जाएगी, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है।